पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसआईटी की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। पहले जहां पुलिस की टीम नफे सिंह राठी से पूछताछ के लिए घर तक पहुंच चुकी थी, वही अब कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद नफे सिंह राठी खुद थाने पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से व्यस्तता का हवाला देकर फिलहाल उनसे पूछताछ नहीं की गई है। हमें पुलिस के समक्ष हाजिर होकर के जो एंटीसिपेटरी बेल हुई की है माननीय अदालत ने, तो हमने शामिल तफ्तीश होना था, तो पीछे भी 2-3 दिन लगातार आए, लेकिन एसएचओ साहब कई बार व्यस्त थे। आज एसएचओ साहब ने बताया कि एसआईटी कहीं बिजी है, इसलिए आप परसों 31 तारीख को 2 बजे आओ, तो परसों 2 बजे फिर आएंगे। इस मामले में सिर्फ 2 लोगों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है, बाकी 4 अभी भी फरार है। उन्हें गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने का जिम्मा भी एसआईटी का ही है। ऐसे में अब देखना होगा कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नफे सिंह राठी को एसआईटी की तरफ से 31 जनवरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वही मामले में आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सूर्या समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनकड़ की रिपोर्ट।